नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, परसों हमने आपको महू सनावत गेज कन्वर्जन के बारे में बहुत बड़ी अपडेट दी थी, वह आज बहुत सारे अखबारों की सुर्खियां हैं। सबसे पहले हमारे द्वारा उसकी आपको जानकारी दी गई थी और उसके बारे में और जानकारी आ गई है। इसका एक और महत्वपूर्ण टेंडर डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से पाताल पानी के बीच के निर्माण कार्यों के लिए खुल चुका है। लगभग 56 करोड़ की लागत का यह टेंडर है। इसको भी अगले 10 महीनों के अंदर जो संबंधित एजेंसी है उसे तैयार करना होगा। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था, पाताल पानी स्टेशन से मीटर गेज की जो हेरिटेज गाड़ी है उसका संचालन किया जाना है। इसको देखते हुए यहां पर कई तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी। साथ ही यहां पर ब्रॉड गेज का भी कार्य किया जाएगा। जो टेंडर खुला है उसमें यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। इस टेंडर के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें जानकारी दी गई है कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से पाताल पानी स्टेशन तक जो गेज कन्वर्जन का कार्य है वह किया जाना है, जिसमें पुराने ट्रैक को डिसमेंटल करना, अर्थवर्क किया जाना है, फॉर्मेशन किया जाना है, मेजर माइनर ब्रिज बनाए जाने हैं, रेल अंडरब्रिज और रेल ओवर ब्रिज के फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर आदि बनाए जाने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर नगर स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर कवरिंग शेड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। पातालपानी स्टेशन पर स्टेशन बिल्डिंग बनाई जाएगी और फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा, यात्री सुविधाएं जुटाई जाएंगी और सर्विस बिल्डिंग विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए बनाई जाना है। ये सभी कार्यों के लिए यह महत्वपूर्ण टेंडर निकाला गया है। पूरे कार्य में 7 छोटे पुल, 1 बड़ा पुल, 1 रेल अंडर ब्रिज लेवल क्रॉसिंग 261 पे, जिसका आपने अभी वीडियो मालगाड़ी गुजरते हुए देखा, और रेल ओवरब्रिज 262 लेवल क्रॉसिंग नंबर पे बनाया जाना है। वहीं जो हमारा पुराना टेंडर था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 91 करोड़ में 27 किलोमीटर लंबे सेक्शन का पूरा कार्य कैसा होगा, तो हमने आपको उस वीडियो में यह बताया था कि यह प्रारंभिक टेंडर खुला है और इसका बड़ा टेंडर आने वाले समय में खुल सकता है। जैसा कि पुराने टेंडर जो तुकई थर्ड से आमला खुर्द का करीब 240 करोड़ का खुला है 12 किलोमीटर सेक्शन का, और अड़गांव बुजुर्ग से अकोट का खुला है लगभग 170 करोड़ का, तो आप सोच सकते हैं यह 27 किलोमीटर सेक्शन के लिए लगभग 400 करोड़ के आसपास लागत तो आएगी ही। तो आने वाले समय में और भी टेंडर इसके खुलेंगे। जैसा जैसा रेलवे के द्वारा यह कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है उसकी जानकारी हमें भी उपलब्ध हो रही है, तो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं जो फिलहाल में नया टेंडर खुला है उसके बारे में। 56 करोड़ से प्रारंभिक कार्य जो डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से पातालपानी स्टेशन तक किया जाना है। पातालपानी स्टेशन से मीटर गेज का अलाइनमेंट रहेगा और यहाँ से नई लाइन के रूप में जो नया अलाइनमेंट है वह गुजरेगा, और इसके लिए जो सर्वे किया जा चुका है उस पर अंतिम कार्यवाही रेलवे बोर्ड की तरफ से की जाना है, और उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष ही उसके बारे में कुछ अच्छी बातें सुनने में आ जाएंगी। लेकिन जो उसकी फॉरेस्ट मंजूरी है वह भी प्राप्त होना चाहिए, तो हमारे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सेक्शन के लिए वन संबंधी जो क्लियरेंस है वह मिल जाए, ताकि जो कार्य है उसको शुरू करने में भविष्य में आसानी रहेगी। ऐसा ही कुछ जो बचा हुआ सेक्शन है मोरघड़ी स्टेशन जहां पर बनाया जाना है उसके लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है। वहीं बड़वाह और हमारा बलवाड़ा इलाका जो है मुक्तियारा बलवाड़ा, उसमें भी वन मंजूरी के लिए आवेदन किया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है उसकी भी जल्दी ही फाइल को क्लियरेंस मिल सकता है। कुल मिलाकर अब जो इस सेक्शन के महत्वपूर्ण कार्यों के टेंडर खुलने की शुरुआत हो चुकी है, तो इससे जनता को कम से कम इस सेक्शन के बनने की उम्मीदें तो जाग रही है। वरना पहले तो आपने देखा है कि रेलवे इस सेक्शन को कितना उपेक्षित मानकर चल रहा था। ऐसे ही और भी कार्य के टेंडर जल्द से जल्द खुलें और उन पर कार्य शुरू हो, यह हम सबकी इच्छा है। वहीं जो हमारा पातालपानी से कालाकुंड का मीटर गेज सेक्शन आने वाले समय में हम सबकी धरोहर बनने वाला है। मीटर गेज ट्रेन मध्य प्रदेश में केवल इसी जो छोटा सा 11-12 किलोमीटर का सेक्शन है इसमें ही चलती रहेगी। इसके बारे में हमने पिछले दिनों जानकारी का वीडियो प्रस्तुत किया था, आप सभी उसका अवलोकन कर सकते हैं। महू सनावत खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन की और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।